शाम से वहाँ से नीचे उतरे, खाना खाया होटल में, फिर ट्रेन पकड़ी। कहाँ गए थे? वैष्णो देवी गए थे। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ ली और अपनी सीट पर बैठ गई मैं। तो बाद में मेरे को थोड़ा अनइजी लग रहा था, मेरी सीट साइड में थी, तो मैंने कहा कि मैं टीटी से बात करी, मैंने कहा मुझे इस पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरी सीट ले लूँ क्या? मैंने कहा ले लो, अपना बिस्तर उठा के लिए घूम रही थी मैं। तो मेरे को यहाँ दर्द होने लगा थोड़ा सा, इसमें ही तक था। साथ में कौन था आपके? वो सब सो आप लोग थे और मेरी समधन सामने सो रही थी, लेकिन वो सब सो गए थे। मैं ही घूम रही थी पूरे डिब्बे में। मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं शायद घोड़े से आई हूँ तो इसलिए दर्द हो रहा है मेरे। उसके बाद मैं इधर वाली सीट पे आके लेटी, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, वापस अपना बिस्तर मेरी सीट पे ले आई। फिर मैंने अपना चार्जर वगैरह सब पर्स में रखा, फिर उठाया मैंने, मैंने कहा हल्का हल्का जाने क्या हो रहा है मेरे, एसिडिटी की टेबलेट ले ली मैंने। तो उसके बाद मैंने इनकी सिस्टर को उठाया, जल्दी से उठो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वो उठी तो उन्होंने मसला तो वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर मैं पूरी मतलब चप्पल भी गीली हो गई पसीने से, इतना पसीना आया मेरे को। उसके बाद तो बस फिर वो अदरक वदरक सबने खिलाया, डॉक्टर भी थे कोई, उन्होंने भी एक टेबलेट दी मुझे, लेकिन नहीं। फिर तो ऐसी इच्छा हो रही थी, कि शायद अब बचेंगे नहीं, बचेंगे। ये फीलिंग आती है हार्ट अटैक एकदम से, जैसे खाली हो गया। तो बहुत अजीब था, जैसे हमारी लगती है तो वो दर्द अलग होता है, और जो यहाँ का दर्द था वो बहुत अलग था, बहुत अलग। वो शायद जैसे कोई अंदर से चोक करा, जैसे पता नहीं क्या दर्द था वो, आज तक मैं महसूस अब नहीं करना चाहती हूँ। नहीं करना भी, आप सब ठीक हो गए। फिर उसके बाद आप कैसे उतरे पठानकोट? आप दिल्ली से तो गए हैं? उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे के हॉस्पिटल में तो हम स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें हाथ भी नहीं लगाया, उसी दिन हाथ पे ना सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, टेस्ट वगैरह ट्रॉप्टी के लिए सैंपल भी दे दिया था, और फिर उन्होंने ही वो जो दवाइयाँ दी थी थिनर वाली, तो उसके बाद फिर उसके 15-20 मिनट में थोड़ा आराम हो गया था। अल्टीमेटली बचाया किसने तुमको? नो यस यस, माता के दर्शन करके आए थे। उन्होंने तो मना ही कर दिया कि मैं प्राइवेट में नहीं लेके जाऊंगा, सरकारी में लेके जाऊंगा। फिर उन्होंने वापस सरकारी में ले गए। फिर बाद में मैं बहुत चीख रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचा दो, नहीं तो अब मैं नहीं बचूंगी। तो जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उन्होंने इनको कहा कि मैं लेके चलता हूँ, इतना अच्छा हॉस्पिटल मिल गया यहाँ, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी जगह पे आ गए। और उसके बाद तो मुझे पता भी नहीं चला, रात के 3 बजे थे तो हमें अर्ली मॉर्निंग का 3 o'clock। और आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा, मतलब मैं चीखती बहुत ज्यादा हूँ, रोती भी बहुत ज्यादा हूँ, मगर आप शांत थे बहुत। नहीं रोई मैं, आपके पहले बाढ़ गिर रही तो मेरे फीवर होता है, पूरे घर को इकट्ठा करती हूँ मैं, मेरे साथ बैठे रहो, मैं रोऊंगी। पहले इस वक्त आप और मैं थे, हमारे साथ मैं रोई भी नहीं आपके। राइट, खुश रही है और वैष्णो माता की बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर, हम पे भी, क्योंकि अल्टीमेटली यस यस यस, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन बचाना था और आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। ऑल द बेस्ट जो है इसमें, सब लोग स्टाफ आए हैं और ड्यूटी के लिए इतना प्यार जो शायद कहीं नहीं मिलता है। मैंने अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, नहीं लेकिन जैसे बात करने का तरीका, आपकी सिस्टर्स बॉयज
इतना प्यार करेगा। सबसे ज्यादा आपका, मैं सबको आपका एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आपका जो बात करने का तरीका है, आधे इंसान भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरे स्टाफ ने मान दिया बात। आप इतने स्नेहिलता भी इतने अच्छे है ना। ठीक है, सब लोग वैसे उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं पूछती हूँ सिस्टर से, पूछती हूँ आप ट्रेनिंग लेते हो तब प्यार से बात करने के लिए? बहुत प्यार से बात करते हैं। नहीं, चलो, थैंक यू, थैंक्स। Thank you.